An Academy. Let's crack it. पहला सवाल जो था कि करंट अफेयर्स है क्या, तथ्य या विश्लेषण। यहाँ पर आज के समय की जो सबसे बड़ी एक तरह से जो चुनौती है उससे मैं देखता हूं। आप इस बात को ध्यान से देखिएगा कि आप जब दायरा किसी भी टॉपिक का तय करते हैं कि करंट में हमको पढ़ना क्या है, तो आज का जो सबसे आप एक तरह से कह सकते हैं सुपर हिट जो विषय है, जो सबसे चर्चित विषय है, जैसे कोरोना, ठीक है। मैं आपको एक विषय का डायमेंशन कैसे डेवलप होता है मैं वो बता रहा हूं, ध्यान से समझिएगा दोस्तों। अब कोरोना पर पिछले 1-1.5 महीने से हजारों आर्टिकल्स आपको अखबारों में दिख रहे हैं, ठीक है। मैं अंग्रेजी अखबारों की बात कर रहा हूं। अब हमको सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स के तौर पर यह देखना है कि कोरोना मेरे लिए क्या अर्थ रखता है, मुझे कोरोना में क्या, मेरे एग्जामिनेशन के लिए मुझे इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, वो कैसे डेवलप करना। और ये हर टॉपिक पे चलेगा, इसको आप हर इशू के लिए, आप नागरिकता अधिनियम से लेकर कोई भी टॉपिक आएगा ना उसके ऊपर आप इसको पूरी तरह अप्लाई कर सकते हैं। अब कोरोना को मैं कैसे पढ़ूंगा, मेरे लिए न्यूज़पेपर में कैसे आएगा, देखिएगा। कोरोना एक तो साइंस और टेक्नोलॉजी का डायमेंशन आपके लिए खोल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, कोरोना के बारे में जो भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के संदर्भ में जितनी भी जानकारी है, जैसे ये एक वायरस है, ठीक है, वायरस भी एक ऐसा वायरस जिसके पूर्ववर्ती भी, प्रीडिसेसर्स भी आपको दिखते रहे हैं। आपने सार्स के बारे में, आपने मर्स के बारे में पढ़ा होगा, तो आप ये जो वायरल चेन है जो पहले से चल रही है, आप इन सब के बारे में अपनी जानकारी को दुरुस्त रखें, क्योंकि यूपीएससी पूछ सकता है प्रीलिम्स में कि कोरोना जैसे जो पहले वायरल स्ट्रेन्स रहे हैं उनमें और इसमें क्या कंपैरिजन है। तो कोरोना का ये टेक्निकल या साइंटिफिक एक बेसिस हो गया। फिर आप इसमें, क्योंकि ये एक इससे लड़ने के लिए जो तकनीक डेवलप हो रही है आप देखेंगे, उसमें पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की बात है, आप उसमें रैपिड टेस्ट के बारे में, आप आजकल उसके बारे में पढ़ रहे हैं। आप वैक्सीनेशन इसका जो डेवलप हो रहा है उसमें एंटीबॉडीज और इन सब का कैसे यूज होगा, आप इसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये कुछ मैंने आपको उदाहरण बताए कि कोरोना पढ़ने का अर्थ है कि इसके टेक्निकल और जो साइंस रिलेटेड जो भी एस्पेक्ट्स हैं उनको आप अच्छे से पढ़ लें। तो ये एक दायरा हो गया, ये एक फाइल हो गई कोरोना पढ़ते वक्त आपके लिए। दूसरा दायरा इसका इंटरनेशनल रिलेशन से जुड़ता है। मैं कुछ उदाहरण दे रहा हूं कोरोना को लेकर। आप जानते हैं कि ट्रंप साहब चीन पर जिस तरह आग बबूला है, तो आप एक ट्रेड वॉर पहले चली रही थी जो धीरे 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 ठंडी पड़ी थी, अब आप ट्रंप की धमकी सुन रहे हैं कि मैं दोबारा चाइना के ऊपर मैं टैरिफ्स का एक तरह से हमला करूंगा, क्योंकि कोरोना में उसने इंफॉर्मेशन छुपाई है। कोरोना हो सकता है एक मैन मेड वायरस हो, एक बायोलॉजिकल वॉर का किसी तरह से संकेत आ रहा हो। तो इंटरनेशनल रिलेशंस में चाइना अमेरिका के बीच इसको लेकर जो भी उठापटक चल रही है वो आपके अध्ययन का एक बिंदु बन गया, आप उसके बारे में। चलिए, ओम प्रकाश मिश्रा जी, प्रणव वस्त ने आपके मेरे बारे में बताया, उनको भी और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। सब लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, विषय से प्लीज जुड़े रहें। इसी तरह आपने देखा कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, IR का मतलब है कि संस्थाएं, तो WHO के ऊपर जो आक्षेप लग रहे हैं, WHO पर जो सवाल खड़े हो रहे हैं, अमेरिका ने फंडिंग रोक दी है WHO की, तो सब कोरोना से जुड़कर ही तो हो रहा है। आपको पता होना चाहिए WHO क्या काम करता है, WHO की फंडिंग कैसे होती है, WHO का स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, उसमें किस जो उसका हेड होता है वो कैसे अपॉइंट होता है, ये कैसे हो गया कि अमेरिका के नियंत्रण से बाहर हो गया WHO। आप इसी तरह फ्रांस, जर्मनी,
ये सब चाइना के साथ जिस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, जो एक खटास बढ़ रही है रिश्ते में, आप आईआर में इन सब चीजों को भी जोड़ सकते हैं। आपको एक मजेदार बात बताता हूं, एक यही विषय अब चर्चा में है कि जैसे एक समय था ना कि बीसी और एडी में दुनिया को बांटा गया कि क्राइस्ट के आने से पहले और उनके बाद दुनिया का दो कालों में विभाजित है। कह रहे हैं कि कोरोना इतना बड़ा प्रभाव छोड़कर जाएगा हर क्षेत्र में कि आपको बिफोर कोरोना और आफ्टर कोरोना, ये भी दो कालखंड, दो टाइम इंटरवल्स हमारी ह्यूमन हिस्ट्री के बन सकते हैं। तो आईआर में ये सब चीजें हैं। एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, कोरोना के बाद एक नई विश्व व्यवस्था। अब कोरोना से पहले ये दायरा हमें 91 में दिखा था, जब सोवियत संघ विखंडित हो गया, टूट गया, कोल्ड वॉर खत्म हो गया, तो दुनिया को माना गया कि एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर डेवलप हो रहा है। इसी तरह कोरोना के बाद जो स्थिति होगी अंतरराष्ट्रीय राजनीति में, माना जा रहा है कि एक नई विश्व व्यवस्था होगी। वो क्या हो सकती है विश्व व्यवस्था, भारत उस विश्व व्यवस्था में कहां पर खड़ा होगा, ये तमाम चीजें भी कोरोना के संदर्भ में हमें यूपीएससी के लिए पता होनी चाहिए। तो आपने देखा, कोरोना ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेकर, आईआर को लेकर दो दरवाजे हमारे लिए खोले। अभी दरवाजे और हैं, एनवायरमेंट। आप लगातार फेसबुक पर और व्हाट्सएप में देख रहे होंगे कि गंगा नदी जितनी निर्मल स्वच्छ हो गई, आपने हजारों करोड़ रुपए खर्च किया, कोई प्रभाव नहीं आया। लेकिन खाली मनुष्यों की गंगा नदी तक पहुंच को अगर रोक दिया गया तो 1.5 महीने में देखिए गंगा स्वच्छ और निर्मल अधिकांश जगह पर दिख रही है। इसी तरह आप फोटो देखते होंगे कि जलंधर से और किन किन शहरों से आपको हिंदू कुश की पहाड़ियां दिख रही हैं। अब इन्वायरमेंट में एक नया डायमेंशन क्रिएट हो रहा है कोरोना के कारण, कि अगर ह्यूमन इंटरवेंशन को, मानवीय हस्तक्षेप को अगर हम नियंत्रित नियमित कर दें, तो क्या इन्वायरमेंट अपने आप को बहुत तेजी से रिस्ट्रक्चर नहीं कर लेगा। अब देखिए ग्लोबल वार्मिंग में, क्लाइमेट चेंज में कितने सारे ये सवाल हैं कि कैसे ये सब होगा। तो एक बहुत पॉजिटिव नोट पर है कि हमको और कुछ अतिरिक्त नहीं करना है। हम जो गलत करते रहे हैं प्रकृति के साथ, हमें बस उसको किसी तरह कम या रोक देना है। इसी से सब प्रकृति अपने आप को ठीक कर लेगी। तो इन्वायरमेंट में आप देखेंगे कि इसका बहुत बड़ा एक प्रभाव दिखेगा। कोरोना एक डायमेंशन पॉलिटी में इंडिया में खड़ा करता है। कैसे? अब पॉलिटी में आप देखिए कि जिस तरह सेंटर और स्टेट के बीच बहुत अच्छा समन्वय, तालमेल, तूतू मैमे बहुत कम हुई, कहीं थोड़ी बहुत जगह हुई, लेकिन ज्यादातर आप देखिए कि बहुत क्लोज, इसी को आप कहते हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, सहयोगी संघवाद। तो पॉलिटी में कैसे सेंटर और स्टेट मिलकर जब भी कोई दिक्कत आए, जब भी कोई समस्या आए, तो कैसे एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे निकलेंगे, संकट से अपने को उबारेंगे, ये हमारा संविधान जो व्यवस्था निर्मित करता है वो इसमें एक तरह से टेस्ट हुई और उस टेस्ट में हम बहुत हद तक सफल हुए। इसी तरह कई राज्यों में अर्धसैनिक, केंद्रीय अर्धसैनिक बल भेजने की जरूरत महसूस हो रही है, एक सवाल उठ रहा है खासतौर से जैसे पश्चिम बंगाल में। तो आप उस बिंदु को भी यहां पर देख सकते हैं कि क्या आप अगर जबरदस्ती, अगर कुछ गलत व्यवहार करना चाहेंगे कोई राज्य, तो सेंटर क्या इतनी ताकत रखता है कि वो उस स्टेट के ऊपर थोड़ा बलपूर्वक ही सही कानून व्यवस्था और सब चीजें सुचारू रहें उसके लिए प्रयोग कर सकता है। तो पॉलिटी से रिलेटेड इश्यूज डेवलप हुए। इकॉनमी एक बहुत बड़ा विषय है कोरोना को लेकर, क्योंकि आप चाहे देश के भीतर की बात करें और चाहे आप वैश्विक आर्थिक संरचना की बात करें, आप देख रहे हैं कि डेवलप्ड इकोनॉमीज जो हैं वो नेगेटिव ग्रोथ रेट में हो सकता है चली जाएं। तो एक इकोनॉमिक जो एक इसका प्रभाव कोरोना का होगा और उसमें भारत के लिए क्या अवसर हैं, क्या चुनौतियां हैं, ये चीज भी कोरोना के कारण आपके विषय क्रम में शामिल होनी चाहिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डिजास्टर मैनेजमेंट। आपदा आए तो उसके प्रबंधन का हमारा तंत्र कितना मजबूत है, हम कितने सक्षम हैं ऐसी चीजों से लड़ने में, आपने इसको लेकर भी आपने बहुत सारी चीजें देखी।
तो आप एक कोरोना विषय को जब यूपीएससी के लिए करंट अफेयर्स के हिसाब से पढ़ेंगे तो आप देख सकते हैं, मैंने बहुत संक्षेप में क्योंकि समय कम है मैंने आपके लिए कुछ विंडोज ओपन करी, आप जब ये देखने लगेंगे कि कोरोना का मतलब है इसका टेक्नोलॉजिकल पक्ष, इसका आईआर का पक्ष, इसका एनवायरमेंटल एस्पेक्ट, इसका पॉलिटी रिलेटेड डायमेंशन, इसका इकोनॉमी और डिजास्टर मैनेजमेंट का आयाम, तब आप सही तरीके से उस विषय को पढ़ पाएंगे और आप सहज अपने को एक कहते हैं ना कि एक जेन्युइन एक यूपीएससी एस्पिरेंट के तौर पर आप आगे बढ़ पाएंगे।